हेलो बच्चा पांडे, गुड इवनिंग। मैं नरेंद्र सर, आज मैं आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो मैं किसी भी डिले किए हुए आप लोगों को डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे तो आप कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप भूल नहीं पाओगे, और आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करोगे इस मेथड से तो डेफिनेटली आपका आंसर जरूर आएगा। तो देखो, हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। इस तरीके से मतलब दो फंक्शन रहते हैं, दो फंक्शन में से एक फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, एक फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन हमें उनमें से चूज करना पड़ता है किसको हम बाहर ले लें कि हमारा क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको अप्रोच लगाना है कि हम लोग पहले का कॉमन ले लेंगे। सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स का कॉमन ले लिया, तो आप क्या करोगे, जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करोगे माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगाना d डिवाइडेड बाय d ऑफ x। आप क्या करोगे, जिसका कॉमन लिया था f ऑफ x का, उसका आप डिफरेंशिएशन कर लेना, और जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था उसका अगेन इंटीग्रेशन कर देना, और टोटल का इंटीग्रेशन कर लेना। आप ऐसा भी कर सकते हो और g ऑफ x का कॉमन ले लो, तो f ऑफ x का आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो माइनस ब्रैकेट लगाना है d डिवाइडेड बाय d ऑफ x, जिसको आपने कॉमन लिया था उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, और अगेन जिसका आपने इंटीग्रेशन किया था उसका इंटीग्रेशन करना है, और टोटल का आपको इंटीग्रेशन कर लेना है। कुछ ऐसा आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे या इसी लॉजिक पे मैं आपको एक क्वेश्चन सिखाऊंगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स साइन इनवर्स एक्स डी ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, बाय पार्ट से सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो, हम यहाँ से देखेंगे अगर, तो हमें पता है कि एक्स जो पार्ट है, इस एक्स पार्ट का क्या होना है, देखो इस वाले पार्ट का तो इंटीग्रेशन होना ही नहीं है, और इस पार्ट का क्या इंटीग्रेशन होगा, तो इस पार्ट का क्या होगा अपने पास में, डिफरेंशिएशन होगा। जब इस पर डिफरेंशिएशन होगा तो इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे हम लोग, साइन इनवर्स एक्स का क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और किसका इंटीग्रेशन करेंगे, x into dx का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगाएंगे d डिवाइडेड बाय d ऑफ x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और टोटल का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, ठीक है। मैंने क्यों लिया बेटा इंटीग्रेशन का कॉमन, क्योंकि हमारे पास sin inverse x का कॉमन, क्योंकि sin inverse x का क्या होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, sin inverse x, x का हो जाएगा x square by 2 minus इंटीग्रेशन का सिंबल, sin inverse x का डिफरेंशिएशन होता है ऑन द रूट 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x square, और इस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और टोटल का हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाय 2। इसको थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस क्या करेंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 ऑन द रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d ऑफ x। कुछ ऐसा रहेगा हमारे पास ये। अब देखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर है बच्चे को, कि क्या होता है बच्चा यहाँ से सॉल्व नहीं कर पाता, और क्यों सॉल्व नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी अप्रोच नहीं जा पाती है। देखो यहाँ पर बच्चा क्या कोशिश करता है, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, जैसे वो सब्स्टिट्यूट करता है तो उसका क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से ये सॉल्व होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या मॉडिफिकेशन होगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पर क्या है, 1 माइनस x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे मॉडिफिकेशन करने के लिए इस क्वेश्चन पे, यहीं पर हम लोग एक माइनस 1 और प्लस का 1 इंटू डी ऑफ एक्स कर देते हैं मॉडिफिकेशन पे। अब देखो अगर माइनस 1 प्लस 1 का आप लोग कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा इजिली, तो अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो गया हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो माइनस का ले लें कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस, देखो माइनस का ले लिया कॉमन तो 1 बाई 2, ये हो जाएगा अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा अपने पास में कितना, ऑन द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स,
और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस वन डिवाइडेड बाई ऑन द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अगर बच्चा यहां तक बना पाता है तो उसका क्वेश्चन गलत नहीं होता है, और अगर यहां तक सॉल्व नहीं कर पाता तो उसका क्वेश्चन बन ही नहीं पाता है। तो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि यहाँ बच्चा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता। तो आप कभी भी आपको मॉडिफिकेशन करना है तो उसके आपको डिनोमिनेटर को देखना है और न्यूमरेटर को उसके हिसाब से चेंज कर लेना है। अब देखो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाय टू, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में डी ऑफ एक्स। ये माइनस का कॉमन हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा कितना अपने पास में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना अपने पास में साइन इनवर्स। अच्छा एक चीज और, वन बाई टू को यहाँ पर बाहर ले जाना आप लोग, नहीं तो फिर क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। तो वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, देख लेता हूं कोई गलती तो नहीं है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है, माइनस वन और प्लस वन, अगर मैंने माइनस, देखो माइनस का मैंने कॉमन लिया है, ये वाला क्या हो गया अपने पास में, देखो ये माइनस मल्टीप्लाइड हुआ है तो प्लस का हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने माइनस को क्या कर लिया था, कॉमन ले लिया था, इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिखा है। अगर जिस बच्चों को डाउट है तो आप यहां पर एक माइनस लगा लेना। तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, या तो और डाउट है तो आप इसको ऐसा करना कि यहां पर क्या करना, जैसे एक माइनस का सिंबल लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, आपने कॉमन लिया था ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। अब आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये देखो माइनस जब बाहर निकलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये वाले को आपको भूल जाना है, फिर ये हो जाएगा आपके पास में कितना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और ये माइनस माइनस प्लस का वन, और ये माइनस अब एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ये आपका सॉल्व हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक ट्रिक सीखनी है। इस क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है कि अगर कभी ऐसा लिखा हो, आप लोग ट्वेल्थ के बच्चे हो, अगर कहीं ऐसा लिखा हो x की पावर 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 1 बाई 2, तो हो जाता है x की पावर 1 बाई 2। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग मॉडिफिकेशन करके ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x प्लस 1 बाई 2 ऑन द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स माइनस 1 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ ऐसा ही बनेगा। अब देखो मैं ऊपर वाले को हटाऊंगा तभी इस नीचे वाले को मैं सॉल्व कर पाऊंगा। मैं देख लेता हूं आपको अच्छे से दिख रहा है या नहीं। ठीक है, तो देखो मैं यहां से हटाऊंगा इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला दिख रहा है। इस फार्मूले को भी हम आपको भी दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो ऑन द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर d ऑफ x, तो ये हो जाता है x by 2 ऑन द रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स x डिवाइडेड by a प्लस का c। तो इस क्वेश्चन को जब यहां से बनाएंगे तो इसका हम लोग सिर्फ फार्मूला बेसिस यूज करेंगे, और अभी मैं आपको ये फार्मूला डिराइव करके भी दिखाऊंगा। तो
तो हम जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू। इसको सॉल्व करने पर एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसके प्लेस में देखो x है तो यहां पर आ जाएगा कितना x डिवाइडेड बाय 2 ऑन द रूट 1 माइनस x स्क्वायर और प्लस a, a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 बाय 2 साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज प्लस सॉरी माइनस ये वाला क्या है अपने पास 1 बाय 2 साइन इनवर्स x प्लस c। ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाई फोर ऑन द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस का सी। यहां जिसको सॉल्व करोगे देखो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर ऑन द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में वन बाई फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस का वन साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स बाई फोर ऑन द रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या आएगा अपने पास में फाइनल आंसर आएगा। किस चीज का ये फाइनल आंसर आएगा बेटा ये आएगा फाइनल आंसर ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स टी ऑफ एक्स। अगर एक्स साइन इनवर्स एक्स का हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इतना मिलेगा हमें सॉल्व करने के बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है और काफी इजीली इसको सॉल्व किया है। अगर इस अप्रोच को आप बनाओगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और मैं आपके लिए अभी इसका डेरिवेशन करके दिखाऊंगा आपको।